नमस्कार दोस्तों, बड़ा ग्राफिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फोल्डर 2024 के अंदर सीखने वाले हैं वेरिएबल आउटलाइन टूल्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट वर्जन में है, न्यू वर्जन में है, ओल्ड वर्जन में नहीं है। इसका काम ही होता है दोस्तों कि हर एक ऑब्जेक्ट में आउटलाइन देना, इसके आपको जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको आउटलाइन की ज़रूरत है आप वहाँ पर आउटलाइन देकर एक अच्छी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने कोलोडा 2024 में आ चुके हैं और यहाँ से लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे कोलोडा ने यहाँ पे अपना साइज प्रोवाइड किया हुआ है, आप जिस साइज में ले सकते हैं। हम यहाँ से लेते हैं डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट हमने साइज लिया हुआ है क्योंकि हमें कोई बंगे नहीं बनाना है। हमें यहाँ पर आपको बताना है वेरिएबल आउटलाइन टूल्स के बारे में दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में कम्प्लीटली जानने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों हमने पहले वाले पार्ट में सीखा था इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में, सेकेंड पार्ट में हमने सीखा था ड्रैप शैडो के बारे में और पार्ट थ्री में हमने सीखा था पॉलीगॉन टूल्स के बारे में, और आज हम पार्ट फोर में सीखने वाले हैं वेरिएबल आउटलाइन टूल्स के बारे में, यानी कि आउटलाइन एक कम्प्लीटली जो ये टूल्स है ये इसका जो काम है वो आउटलाइन का ही है। तो यहाँ से हम लेते हैं एलिप्स टूल और यहाँ से हम क्या करते हैं इसे हम ड्रैग करते हैं वेरिएबल टूल से, या कम्प्लीटली इसे हम भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको जिस साइड से इसे आउटलाइन देना है आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे देना है तो क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें इधर राइट साइड में भी हमें देना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं और इस एरिया में भी इसका हम आउटलाइन दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं और फिर हम लेफ़्ट साइड यानी कि हम इस साइड में कर सकते हैं और इसका जो है हम जो साइड है साइड वन साइड टू इसको हम यहाँ से कम बेसी भी कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं या फिर यदि हम इसको क्या करते हैं लॉक कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं ये दोनों साइड को क्या करता है, एक साइड बढ़ता है और एक साइड क्या होता है घटता है, और जैसे हम इसको अनलॉक कर देते हैं तो क्या करता है जिस हमें एरिया में चाहिए उतना ही ये कम करता है और बढ़ाता है। तो हम क्या करते हैं इसे करते हैं डिलीट और हम आपको एक अच्छी सी आउटलाइन लगा कर दिखाते हैं। यहाँ से हम एलिप्स टूल से एक राउंड सर्कल लिया हुआ है और यहाँ से हम इसमें एक कलर देते हैं रेड कलर और इसका हम आउटलाइन डिलीट कर देते हैं और यहाँ से लेते हैं वेरिएबल टूल और यहाँ से हम ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और इसे हम एक कुछ ऐसा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई पोस्टर है और उसमें हमें किया है मेन चीज़ उसमें हेडिंग के तौर पे तैयार करना है, तो हम इसके ऊपर साइड में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल और जी प्रेस करके हमने यहाँ पे दो कलर मिक्स कर दिया है और इसमें हम ड्रैप सेट लगा देंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और ये बहुत ही शानदार डिज़ाइन हो जाएगा। आप इसमें जितना अच्छी अच्छी आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना अच्छा अच्छा जो है
इसमें डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं अपने अनुसार, इसमें अच्छे से अच्छे डिजाइन इसमें आप बना सकते हैं। इसका हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं और जी प्रेस करके हम इसमें क्या करते हैं, येलो कलर इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं रेड। तो देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो क्वालिटी बहुत ही सुंदर हुआ है। तो आप इसका यूज आप अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग जहाँ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो हम इसको आपको एक पोस्टर की तरफ, जैसे मान लीजिए एक हमें जो मेन पॉइंट जैसे नहीं होता है हाईलाइट करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है बिजनेस है फ्लेक्स प्रिंट का, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक बना देते हैं होर्डिंग टाइप में, जैसे कि हाँ यहाँ पे फ्लेक्स प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका आउटलाइन कर लेते हैं रेड और इसका कलर कर लेते हैं हल्का ब्लू यानी स्काई कलर, और इसके हम ऊपर रखते हैं पॉइंट की तरफ और नीचे हम टाइप कर लेते हैं फ्लेक्स बॉल प्रिंट। आपको जहाँ पे इसे अच्छी तरीके से आप सेट कर देना चाहते हैं आप वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसे करते हैं डिलीट करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसमें हम एक लेडी डॉक्टर का इमेज लगाकर आपको बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे और आप इसका यूज अपने बैनर में, पोस्टर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे ड्रैग करते हैं डाउन साइड से, तो इसका आउटलाइन जो है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर, जो ये अपडेट हुआ है 2024 में, तो बहुत सुंदर ये टूल्स है। आप इसका जरूर यूज कीजिए और एक नई नई डिज़ाइन आप क्रिएट कीजिए। इसे अलग करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू करेंगे तो ये जो है अलग हो जाएगा और इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। इसमें हम क्या करते हैं शैडो डाल देते हैं, आप जिस तरीके का शैडो आपको चाहिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये अपडेटेड वर्जन है इसमें आपको प्रीव्यू जो है शो भी कर रहा है कि आपको किस तरीके का शैडो चाहिए, अप डाउन या बॉटम में या सेंटर में कैसा आपको चाहिए। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें शैडो ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ थोड़ा चेंज करता हूँ, लेफ्ट वाला ले लेता हूँ, लेफ्ट वाला यहाँ पे इनर ग्लो कर लेता हूँ। तो ये वाला हमें कुछ बेहतर दिख रहा है तो हम इसी को क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल जी प्रेस करते हैं और इसमें नीचे थोड़ा सा ब्लैक ऐड करते हैं ताकि इसकी जो डिजाइन है इसमें कुछ खूबसूरती बढ़ जाए। और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और एक यहाँ पे हमारे पास है डॉक्टर का इमेज है हमारे पास, और इसे पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इधर से हाँ अब हम इसे करेंगे कंट्रोल सी बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे और सेव टूल से F10 बटन प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की इसका है। और इसके हम दोनों साइड से जहाँ जहाँ बाहर की एरिया है इसका वहाँ से इसको टॉप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी आपको कलर आपको इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, डार्क ग्रीन और रेड, इसमें कोई और कलर डालते हैं, ये वाला कलर कुछ बेहतर दिख रहा है। तो आप इसका यूज अपने जहाँ भी आप इसको यूज करना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, वहाँ इसका यूज आप कर सकते हैं। इसे हम सेंटर में कर लेते हैं, एक बैकग्राउंड हमने इसका दे दिया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हाँ इसे हम कहीं भी यूज में लगा सकते हैं इसे अपने आवश्यकता के अनुसार। तो हम यहाँ पे ले लिए पेज नंबर 3 और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है लेटर ए, और इससे क्या करते हैं फॉन्ट को बोल्ड फॉन्ट देते हैं और इसमें हम आउटलाइन देंगे, एक अच्छी डिज़ाइन इसकी क्रिएट करने वाले हैं।
तो आप इस तरीके का यूज करके आप अपने डिजाइन में आकर्षण को बढ़ा सकते हैं और डिजाइन को परफेक्ट तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से लेते हैं और यहाँ से नीचे से नहीं हो रहा है, इसको हमें नहीं ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट है, हमें क्या करना है उसे कर्व में करना पड़ेगा, हमें इसे नहीं ले रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपली कर्व में करने के लिए कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे, इसे ये जो है हमारा टेक्स्ट है वो कर्व में हो गया, देखिए जो है लाइन आ गया। तो यही इसकी पहचान है, जब लाइन में आ जाएगा ऐसे ऐसे रेड कलर का तभी वो लेता है वेरिएबल आउटलाइन कलर टूल्स। हम क्या करते हैं इसे अलग करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू कर लेते हैं और इसमें जो है हम कलर डालते हैं यहाँ से ऑरेंज और येलो इसमें कर लेते हैं। और इसमें हम शैडो लगा देते हैं ताकि जो इसकी डिजाइन है थोड़ा आकर्षक की तरह से दिखे, कुछ इस तरीका से। तो यहाँ से हम इसका लगा लेते हैं शैडो, तो इसमें थोड़ा हम वाइट देते हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हम क्या करते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम स्मार्ट फिल से यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं डार्क शैडो इसका, इसे इधर हम कॉपी कर लेंगे और आएंगे इंटरेक्टिव फील्ड टूल के अंदर, हमें मिलेगा स्मार्ट फील, इसे कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं, जितना एरिया चाहिए हमने उतना क्या कर दिया फिल कर दिया है। और इसको हम इधर रख लेते हैं, इसे कर लेंगे डिलीट। वाइट में खप जा रहा है, इससे हम फिर से करते हैं इंटरेक्टिव फील्ड टूल से, स्मार्ट फील्ड टूल से ये एरिया और अब सही है। और इसे हम ऑरेंज कलर इसमें डाल देते हैं और इसमें हम रेड कलर इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा, इसे हम लेफ्ट के साइड इसको घुसकाते हैं और यहाँ से जी प्रेस करेंगे और इसमें रेड कलर मिक्स कर देते हैं और यहाँ से हम शैडो इसमें डाल देते हैं ड्रैप शैडो। और आपको जो जिस शैडो में आपको चाहिए लेफ्ट राइट टॉप में आप इस तरीके का इसको लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे का जो है वो वाइट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक कलर का, तो उसमें जो है वो जो उसका पीछे जो है उसमें जो खप जा रहा है वो नहीं खपेगा। वो देखिए हम वहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, जो वाइट टेक्स्ट भी था और वाइट जो इसका था पीछे का पेज भी था, इसलिए वहाँ पर हमें दिक्कत कर रहा था। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें इसे ध्यान में देना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे हम लेते हैं पॉलीकॉन टूल के अंदर मिलेगा हमें कॉमन शेप और यहाँ पे बहुत सारे शेप लेते हैं और आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं कि आउटलाइन कलर आप कैसे यूज कर सकते हैं जो वेरिएबल आउटलाइन टूल्स है। तो यहाँ से हम दो चार ले लेते हैं यहाँ पर शेप ये वाला नहीं लेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं कोई और लेते हैं ये वाला। इसे हम बड़ा कर लेते हैं और ऐसे ड्रैग करेंगे इसे। इसमें भी हम जिस साइड में हमें आउटलाइन देना है उस साइड में हम इसे क्या करेंगे ड्रैग करेंगे,
ऊपर देना है ऊपर ड्रैग करेंगे, नीचे देना है नीचे ड्रैग करेंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है डिजाइन की वहाँ पे इसे हम ड्रैग करेंगे। हमें यहाँ पे कॉर्नर पे हमें इसको आउटलाइन देना है तो कॉर्नर पर कर लेते हैं। इसे जितना बड़ा बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं जिस पोजीशन में ले जाना चाहते हैं आउटलाइन को, आप यहाँ से अपने माउस पॉइंटर से ड्रैग कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसे कंट्रोल जेड करते हैं और हमें क्या करना है डाउन से लेना है हल्का सा आउटलाइन, तो हम यहाँ से डाउन से लेते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, इसका आउटलाइन कलर चेंज करने के लिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। इसका शॉर्टकट की है उसे अलग करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, उसके बाद से ही हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अलग हो जाएगा। यदि कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस नहीं करते हैं तो ये अलग नहीं होगा, ये एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट में एक ही कलर लेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक कर से उत्साह बढ़ाएं दोस्तों, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें दोस्तों।